गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू केपीएल एक्सप्लोर। कैसे हो भाई सारे? तो यार दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जयपुर। फिलहाल मैं खड़ा हूँ भाई सोना रोड पे, आपको मैं लेके जाऊँगा मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो भाई गुड़गावा से और जयपुर तक ये रोड स्टार्ट हो चुका है, कितना टाइम इसमें लगेगा सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। भाई बहुत सारी हमने वीडियो देखी, कोई बताता है 1.5 घंटा लगता है, कोई बताता है 2 घंटे लगते हैं, कोई बताता है 2.5 घंटे लगते हैं। एक्चुअल में कितना टाइम लगता है मैं आपको बताऊँगा, कितना फ्यूल लगेगा, कितने टोल पड़ते हैं, कितने रुपए के टोल लगेंगे, रास्ते में खाने पीने की क्या सुविधा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम खड़े हैं, ये जो सोना वाला टोल है ना, अभी फिलहाल यहाँ पे हम, और यहाँ से और जयपुर तक का कितना टाइम लगता है वो मैं आज एक्चुअल में बताने वाला हूँ। फिलहाल टाइम हुआ है भाई मॉर्निंग में 7:40, और जयपुर तक कितना टाइम लगेगा सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल अपनी धनों को हम लेके आ चुके हैं ऑन रोड, और अपनी धनों देखो भाई क्या चमचमाती हुई अभी फिलहाल आज जयपुर के लिए निकल रही है। तो कल ये डिटेलिंग होके आई है, अगर आपको डिटेलिंग वगैरह करवानी हो तो भाई इससे जो पहले वाली वीडियो आप वो जाके देख सकते हो, हमने अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करवाई है, काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग होती है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है मॉर्निंग, सुबह 7:30 भाई वैसे नहीं उठता मैं, लेकिन आज वीडियो के चक्कर में और एक एक्साइटमेंट है कि भाई जाना है, जयपुर जाना है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए दोस्तों चलते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो काफ़ी मस्त बनेगी, ड्रोन शॉट भी लेंगे, 360 शॉट भी लेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों 7:44 हो चुके हैं, ट्रिप कर दी हमने यहाँ से जीरो, टोल मेरे पीछे है और सीएनजी हमने करवा ली फुल। भाई अपनी गाड़ी सीएनजी में, तो सीएनजी में लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी पहुंच जाएगी। भाई कितना टाइम लगेगा वीडियो में आप बने रहना, आपको सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल भाई हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे ये भाई 4 लेन हाईवे है फिलहाल, और इसको फ्यूचर में ना इसको 8 लेन तक ये कर सकते हैं, 6 लेन 8 लेन तक कर सकते हैं, इसको साइड में स्पेस खाली है। इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये होने वाला है, 120 की इस पे स्पीड लिमिट है, और अभी हम 110 और 120 के बीच में ही चल रहे हैं। तो भाई सामने टोल प्लाजा आ चुका है, यहाँ पे करवाएंगे एंट्री। और भाई टोल आप देख रहे हो 15 लेन का टोल है भाई ये, और भाई कितना बड़ा टोल है ना, आने वाले टाइम में भाई बहुत काम आने वाला है ये टोल। तो यहाँ से होगी अपनी एंट्री, और आगे कितना टोल कटेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से करवाते हैं भाई एंट्री, ये लो एंट्री हो चुकी है यहाँ से। फिलहाल भाई हम 120 की स्पीड को मेंटेन करके चल रहे हैं, पूरा 120 भी नहीं है, और मतलब बिल्कुल स्मूथ रोड है ये आप देख रहे होगे। और बीच बीच में इस रोड पे ना काम भी चल रहा है, एक पैच आया था, बिल्कुल छोटा सा पैच था, लेकिन आप ध्यान से गाड़ी चलाना अपनी। तो भाई 2 या 3 किलोमीटर के बाद ना रेस्ट एंड सर्विस एरिया आता है, तो ये हर 2-3 किलोमीटर में आ जाता है, तो मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली यहाँ पे कि भाई किसी को टॉयलेट वगैरह जाना हो या कुछ भी जाना हो। और यहाँ पे खाने वाने की दुकान भी होगी, आप ये लेफ्ट में देख रहे होगे ये रेस्ट हाउस टाइप बना रखे हैं भाई, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है, अब इन पे काम चल रहा है। कुछ आगे देखते हैं जाके कि भाई कोई रेडी होगा तो उसमें हम जाएंगे। यही हाईवे का रेस्ट एरिया है भाई, और अभी ये कमिंग सून है, मतलब अभी खुला नहीं है। और अपनी धनो ये खड़ी, हम अभी देखने के लिए रुके थे कि अभी कुछ स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ा बनाया हुआ है, आप ही फूड कोर्ट देख रहे होगे, तो ऐसे करके बहुत सारे वो बनाए हुए हैं, इधर ही रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनेंगी जब आने वाले टाइम में, लेकिन अभी कुछ स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाएगा, जितने भी रेस्ट एरिया मिलेंगे वहाँ पे हर जगह आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे। तो सामने आपको पेट्रोल पंप नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे। तो अभी निकलते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं।
9 बज चुके हैं और 79 किलोमीटर हम आ चुके हैं। आधा घंटा हमारा भाई अभी ड्रोन शॉट लेने में निकल गया और मतलब आधा घंटे से ज्यादा ही लग गया होगा। बस अभी यहाँ से निकलते हैं, अपनी डेस्टिनेशन काफी दूर है अभी। तो भाई फिलहाल हम यहाँ पे रुके थे, फूड कोर्ट है और यहाँ से हमने सामान लिया ये खाने पीने का। यहाँ पे भाई आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पे मैगी पूछी, मैगी सिंपल मैगी 80 रुपए की दे रहे हैं और आलू पेटी वो 70 रुपए की दे रहे हैं। भाई लूट मचाई कर रहे हैं, लूट मचाई ऑन हाईवे। और फिलहाल तो हम ये ले आए हैं तो इनसे अपना काम चला के जयपुर में बढ़िया खाना खाएंगे, दाल बाटी चूरमा खाएंगे, राजस्थानी खाना। और निकलते हैं यहाँ से, हमने भाई मैगी वैगी ली नहीं, यहाँ भी हमारी 15-20 मिनट खराब होगी। ये हम कम कर देंगे, अगर आप नॉन स्टॉप जाते हैं तो नॉन स्टॉप का टाइम आपको हम बता देंगे भाई कितना टाइम लगता है जयपुर तक का। चलिए चलते हैं। तो भाई 198 किलोमीटर हम इस रोड पे चल चुके हैं और अभी यहाँ से 71 किलोमीटर बचता है। अभी ये रूट दिखा रहा है नीचे उतरने का यहाँ से, और यहाँ से जयपुर का कट है नीचे उतरने का। मुंबई के लिए सीधा निकल जाओगे, वडोदरा मुंबई के लिए, और जयपुर के लिए आपको ये दिख रहा होगा यहाँ से कट है। जयपुर वाला कट आ गया है। तो भाई टोल आ चुका है, ये बताते हैं कितने रुपए का टोल लगेगा। टोल का भी भाई पता लगेगा जब मैसेज आएगा, उस टाइम पे पता लग जाएगा कि कितने रुपए का टोल कटा है। चेक करते हैं, अभी तो कोई मैसेज नहीं आया, अभी नहीं कटा है, कट जाएगा जब बता दूंगा मैं आपको कितने रुपए का टोल लगा है हमारा। जो मुंबई एक्सप्रेसवे उतरता है ना भाई, ये 200 से 7 किलोमीटर पहले उतरता है। तो यानी कि आप गुड़गांव से चलोगे सोना रोड से और आपको ये 200 लाके छोड़ेगा, और यहाँ से 67 किलोमीटर जयपुर बचता है। और चल रहे हैं, बाकी टाइम आपको हम बताने के कि टाइम कितना लगा है। भाई टोल का मैसेज आ चुका है, ये देखो 395 रुपये, थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ, फोकस आपको दिख रहा होगा, 395 रुपये का टोल कटा है। अपनी गाड़ी का नंबर भी आ रहा है और 615 बैलेंस है अभी इसमें। गुड़गांव से जब आते हो तो 115 रुपये का टोल आपको वहाँ पे देना पड़ेगा सोना रोड पे, और 395 रुपये का टोल आपको ये देना पड़ेगा। यानी कि 200 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको ये वही बात पड़ गई भाई, 1 किलोमीटर 2 रुपये में चल रहा है, तो 395 का ये और आपका 115 रुपये वो। आगे कोई टोल आता है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो जयपुर हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और आपको टाइम मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि जयपुर पहुंचने के बाद हमें कितना टाइम लगा। वीडियो में बने रहना। दौसा क्रॉस करोगे तो आपको सीएनजी पंप यहाँ पे मिल जाएगा, दिल्ली से अगर कोई आ रहा है तो। ये अभी हम सीएनजी पंप पे, हमने सीएनजी डलवा ली यहाँ से, सामने आपको बोर्ड भी नजर आ रहा होगा सीएनजी का। और ये जटवाड़ा गांव करके है, जटवाड़ा में सीएनजी है, ये ऑफलाइन पंप है लेकिन प्रेशर ठीक था, 9 किलो के आसपास हमारी गैस आ गई है इसमें, 94 रुपये रेट है यहाँ पे सीएनजी का। मैं तो सोच रहा था यार 2 ही टोल आएंगे, लेकिन ये तो तीसरा भी आ गया यार, राजा 2 टोल करके है भाई ये, और ये तीसरा टोल है गुड़गांव से यहाँ तक का। इसका मैं आपको बताऊंगा कि कितने रुपए का टोल है, लास्ट में टोटल मैं आपको बता दूंगा कितना टाइम लगा, कितना टोटल टोल लगता है और कितना हमारा फ्यूल लगा, सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल टाइम हुआ 11:38 और हम जयपुर पहुँच गए हैं, पिंक सिटी जयपुर में आपका स्वागत है। सामने आपको ये पहाड़ी वाड़ी दिख रही होगी और चलते हैं। वैसे टाइम लगा है भाई 11:38 हुए, टाइम लगा है हमें। तो भाई हमें जो घंटे लगे हैं ना यहाँ पे जयपुर पहुँचने में, मेरे ख्याल में 2.5-3 घंटे के आसपास लगे, 2.5 घंटे के आसपास ही लगे हैं वो। इसलिए 7:45 पे हम वहाँ से निकले थे टोल से, और जब मुंबई एक्सप्रेस वे आता है तो हम वहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे, ठीक है, 8 से 9, 10, 11, 3 घंटे और आधा घंटा ये, और 1 घंटा आप माइनस कर दो तो 2.5 घंटे के आसपास हमें लगे हैं। 1 घंटा माइनस इसलिए कह रहा हूँ भाई, आधा घंटा हमें ड्रोन फ्लाई करने में लगा था जो हमने शॉट लिए थे, 15-20 मिनट हमें सीएनजी डलवाई वहाँ लगे हैं, और जो हमने जो रेस्ट हाउस जो रेस्ट रूम था जो जहाँ पे रुकी थी हमने गाड़ी, और 15-1 मिनट हमारी वहाँ पे भी ख़राब हुई थी। तो यानी कि आप मोटा मोटा 1 घंटा निकाल दो तो 2.5 घंटे के आसपास आप, अगर आप नॉन स्टॉप आते हो तो आप 2.5 घंटे में आप जयपुर पहुँच सकते हो 100-120 की स्पीड मेंटेन करके। अभी हम सिटी में हैं, आप ये देख रहे होंगे आमेर का किला और जयपुर शहर। तो फिलहाल हम सिटी के अंदर हैं, और ये गुड़गांव से और जयपुर तक की जर्नी आपको कैसी लगी
इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो भाई बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप जयपुर की वीडियो देखना चाहते हो, यहाँ पे यहाँ की घूमने फिरने की वीडियो, यहाँ पे क्या क्या है, खाने पीने का क्या क्या मिलेगा आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। जो अगली वीडियो आएगी वो यहाँ की जयपुर सिटी की होगी, और घूमेंगे भी, कुछ खाएंगे पिएंगे, और शाम को यहाँ से वापस भी जाएंगे भाई। तो वो वीडियो देखनी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।